दोस्तों, हम सभी अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं, और ठीक ऐसा ही जानवर भी अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि कैमोफ्लेज यानी छलावरण एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो जानवरों को खतरनाक शिकारी जानवरों से बचाकर रखती है। और हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलवाने वाले हैं जो अपने आप को बचाने के लिए ऐसी शानदार टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें देखकर आप इन टेक्निक के फैन हो जाएंगे। इसलिए तैयार हो जाइए हमारे इस जबरदस्त वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको वाकई में हैरान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ वाले घंटे को जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मलेशियन लीफ इंसेक्ट। पेड़ पौधे के बीच छुपने की टेक्निक काफी ज्यादा पुरानी है, लेकिन हम आपको जिन मलेशियन लीफ इंसेक्ट से मिलवाने वाले हैं उन्हें पेड़ पौधों के बीच देख पाना नामुमकिन सा है, क्योंकि इनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही पत्ते की तरह होता है, जिसे आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई इंसेक्ट है, वरना आप भी हमारी तरह इन्हें पत्ती समझने की भूल कर सकते हैं। और दूसरों को चकमा देने की इनकी इसी क्वालिटी की वजह से ये बड़े आराम से खुद को प्रेडेटर से बचा लेती हैं, क्योंकि इन्हें देखकर ये 99% तो पूरी पत्ते की तरह ही दिखाई देती हैं, और जब कोई इन्हें चलता हुआ नहीं देखेगा तब तक उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा कि ये कोई इंसेक्ट है। बाकी दोस्तों, प्रकृति का इस तरह के जीवों को शिकारियों से बचाने का ये तरीका वाकई में इनक्रेडिबल है। वैसे अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अपने रूप से चकमा देने वाले धुरंधर तो हमने आपको दिखाए ही नहीं। डेडली बटरफ्लाई। दोस्तों, कई बार प्रेडेटर इतने फास्ट और डेंजरस होते हैं कि उनसे बचकर निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये बटरफ्लाई वाकई में अपने रूप का इस्तेमाल करके किसी को भी चकमा दे सकती है। जी हाँ, जैसे ही इन्हें यह एहसास होता है कि इनके पास कोई है, ये तुरंत अपने दोनों पंखों को आपस में जोड़कर जमीन पर इस तरह लेट जाती हैं कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि कोई पत्ती गिरी है, लेकिन जैसे इन्हें छुआ जाए ये तुरंत फड़फड़ा के उड़ने लगती है। और इस तरह के खूबसूरत और चालाक तितलियां आपको एशिया की किसी भी कंट्री में देखने को मिल सकती है। जी हाँ, हमारे भारत देश में भी इस तरह की बेहतरीन तितलियां मौजूद है, और अगर आप में से किसी ने ऐसी अनोखी तितली को देखा है तो फटाफट हमें कमेंट करके बताइए ना, हम तो वाकई में इसे देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। वियतनामीज मूसी फ्रॉग। मेंढक तो आपने कई तरह के देखे होंगे, लेकिन वियतनामीज मूसी फ्रॉग खास इसलिए है क्योंकि इनकी ग्रीन और ब्लैक अजीब सी स्किन को देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये कोई मेंढक है, और इसी वजह से बड़े आराम से जमीन के नीचे उगने वाली छोटी छोटी घास में छुप सकते हैं। और जब तक आप पूरी तरह आंखें गड़ा कर इन्हें देखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप भूल जाइए कि ये मेंढक आपको देख भी सकते हैं। और जब हम इंसानों को इन्हें देखने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रेडेटर एनिमल इन्हें ढूंढ नहीं पाता होगा, और अपने इसी स्किन स्ट्रक्चर की वजह से ये मेंढक बचे रहते हैं। वैसे इनका ये रूप काफी क्रीपी भी लगता है, जिसे देखकर आपका मन खराब हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपको इनका लुक भले ही अजीब लगे, इनका रूप ही इन्हें जिंदा रखने में मदद करता है, क्योंकि अपने इस रूप से न सिर्फ ये शिकारी जीवों को चकमा देते हैं बल्कि अपना शिकार भी बड़े आराम से कर लेते हैं। पिंक पिग्मी सी हॉर्स। चलिए, यहाँ पर पिग्मी सी हॉर्स को ढूंढकर दिखाइए। हमें पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे अगर आपको समझ में आ जाता तो इनका ये चकमा देने वाला रूप किस काम का। दोस्तों, गुलाबी रंग के ये सी हॉर्स कब कहाँ छुप जाएं किसी को पता नहीं चलता। हमारी पृथ्वी पर करीब 20 मिलियन सालों से मौजूद ये सी हॉर्स अपने रूप से चकमा देने के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन पिंक कलर वाले सी हॉर्स की चांदी होती है, क्योंकि इनका लुक इतना ज्यादा चकमा देने वाला है कि आज से कुछ साल पहले इन्हें अचानक से डिस्कवर किया गया था। इससे पहले कि हम इंसान भी इनके छलावे भरे रूप के चंगुल में आकर इन्हें पहचान ही नहीं पाते थे, पर मात्र 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबे क्रिएचर काफी ज्यादा छोटे होते हैं, और इसी वजह से समुद्री प्रीडेटर्स खुद को बचाने के लिए इनके पास ये चकमा देने वाले रूप के अलावा और कुछ नहीं है। ग्रेट रॉक फिश। दोस्तों, ना ये रॉक है और ना ही फिश, बल्कि ये ग्रेट रॉक फिश है जो कि कैमोफ्लेज की मास्टर है, क्योंकि मजाल है आप इन्हें पानी में देखकर पहचान पाए, और अपने इसी छलावे भरे रूप का फायदा उठाकर ये मछलियां न सिर्फ
दूसरे शिकारी जानवरों से बचती है, बल्कि अपना शिकार धर दबोचने में भी काफी हद तक सफल हो जाती है, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं चल पाता कि ये पत्थर है या फिर मछली, और इसी वजह से कई सारे शिकार इनके चंगुल में खुद ब खुद ही फंस जाते हैं। वैसे इन मछलियों की पीठ पर टॉक्सिक पॉइजन भी मौजूद होता है, जो जानलेवा तो नहीं होता लेकिन खतरनाक काफी होता है। वैसे क्या हमने आपको ये बताया कि दुनिया की सबसे जहरीली मछली रॉकफिश की ही रिश्तेदार होती है? जी हाँ, स्टोनफिश इस दुनिया की सबसे जहरीली मछलियां हैं, जिनका कहर एक एडल्ट पर्सन को आधे घंटे के अंतराल में ही मारने में सक्षम है। वैसे डेंजरस के साथ साथ ये काफी मिस्टीरियस भी है, क्योंकि इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप डाइविंग का शौक रखते हैं तो पानी में जाने से पहले इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, वरना क्या पता आपकी इनसे मुलाकात हो जाए और आपको पता भी ना चले। लीफी सी ड्रैगन। अब हम आपको जिस समुद्री जीव से रूबरू करवाने वाले हैं, उसे देखकर आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये है कौन, क्योंकि ये क्रिएचर काफी हद तक सी होर्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन कई सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पाइप फिश की प्रजाति के हैं। ऑस्ट्रेलिया के सदर्न कोस्ट में पाए जाने वाले ये समुद्री क्रिएचर काफी ज्यादा यूनिक है, जो पूरी तरह से पेड़ की तरह दिखते हैं, जहां इनका ये चकमा देने वाला रूप प्रेडेटर को अवॉइड करने के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये क्रिएचर तैरने में काफी ज्यादा कमजोर है और इनकी स्पीड बहुत ही कम है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी प्रेडेटर ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो बड़ी आसानी से इन तक पहुंच जाएगा, और इसी वजह से प्रकृति अपना बैलेंस बनाते हुए इन्हें इस तरह से रूप देती है कि कोई प्रेडेटर इन्हें तभी पकड़ेगा जब वो इन्हें पहचान पाएगा, क्योंकि जब तक ये अपने रूप से चकमा देने में सफल रहेंगे तब तक ये क्रिएचर बचे रहते हैं। ईस्टर्न स्क्रीच ऑउल। अब चलिए हम आपको एक ऐसे उल्लू के बारे में बताते हैं जो पेड़ों के बीच कहां छूमंतर हो जाएगा आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी टूटी हुई पेड़ की लकड़ी में अगर ये बैठ जाए तो इनका पूरा रूप पेड़ जैसा ही दिखाई देने लगता है। ऐसे में अगर कोई इन्हें पहचान पाएगा तो सिर्फ इनकी आंखों को देखकर। ये बहुत ही बड़े चालाक हैं, इन्हें पता है कि इनकी आंखों से इन्हें पहचाना जा सकता है, इसलिए आंखें हल्की सी खोलकर आसमान में उड़ती चिड़ियों पर घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब कोई इनके पास आए और ये तुरंत उन्हें दबोच लें, और इसी वजह से इन्हें एक परफेक्ट प्रेडेटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका चकमा देने वाला रूप वाकई में शिकार करने में बहुत ही ज्यादा असरकारक है। माउंटेन हेयर। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रकृति हर तरह से बैलेंस बनाकर चलने में ही यकीन रखती है, और इसी वजह से बर्फीले इलाके में रहने वाले प्रेडेटर्स हमेशा से एक अच्छा भोजन मांगते हैं, और ये खरगोश जैसा दिखने वाला क्रिएचर उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, पर वो इस भोजन को तभी पा सकते हैं जब उन्हें ये दिखाई देगा, क्योंकि अपनी बॉडी के स्नो व्हाइट कलर का इस्तेमाल करके ये इस चालाकी से छुपते हैं कि वाकई में इन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से ये माउंटेन हेयर नाम के क्रिएचर बाकी शिकारी जानवरों से बचने में सफल हो जाते हैं। लेकिन हम इंसान अक्सर अपना दिमाग लगाकर इनका शिकार करते हैं, क्योंकि कई सारे माउंटेन एरिया के हंटर इस क्रिएचर का शिकार करके अपने आप को कुछ ज्यादा ही बहादुर समझने लगते हैं, पर हमें नहीं लगता कि किसी भी तरह के जीव को मारना कहीं से भी बहादुरी है। बाकी दोस्तों, आपका जानवरों का शिकार करने वाले लोगों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए ना। सैंड क्रैब। क्रैब यानी केकड़े, यूं तो दिखने में ये काफी अजीब से और डेंजरस होते हैं, लेकिन जब बात सैंड क्रैब की आती है तो इन्हें देखना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंसान के अंगूठे के बराबर ये केकड़े अधिकतर रेत के नीचे छुपकर बैठे रहते हैं, जिसे देखकर आपको समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पर रेत है या फिर केकड़े। और इनकी सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि बाकियों के मुकाबले जमीन के अंदर छुपने में बहुत ज्यादा तेज हैं, यानी कि अगर जैसे ही इन्हें खतरा महसूस होता है ये तुरंत रेत के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, और फिर ऐसे छुमंतर हो जाते हैं जैसे वहां कभी थे ही नहीं। और अपनी इसी चालाकी और जान बचाने के तरीके की वजह से कई सारे रेतीले इलाकों में ये बहुत फेमस है। लीफ टेल्ड गेको। चलिए दुनिया के सबसे ज्यादा चकमा देने वाले क्रिएचर से आपको मिलवाते हैं, क्योंकि वाकई में कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है, जिनको पहचान पाना लगभग नामुमकिन सा है। असल में दोस्तों, ये एक तरह की छपकली है जो आपको हर तरह के पत्तों के रंग में पूरी तरह से रंगती हुई दिख जाएगी,
और इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो इनकी पूंछ है जो पूरी की पूरी पत्ते जैसी ही दिखाई देती है। और इनकी सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये वातावरण के हिसाब से अपना कलर और शेप दोनों बदल सकती हैं, यानी कि ये कब कौन सा रूप धारण कर ले किसी को भी नहीं पता। और यही वजह है कि इनका शिकार करना बहुत मुश्किल है और इनके शिकार से बचना तो नामुमकिन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको कौन सा कैमोफ्लेज क्रिएचर सबसे ज्यादा अनोखा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए। और साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।